हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लंबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर की सेकंड वीडियो, जिसमें पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कराने का प्रयास किया था जो कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका एक टॉपिक है जिसको हम छोटी छोटी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो आपके पिछले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक बताया था, सियाल, सीमा और नीफे, इसको थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करके और भी डेप्थ में जाकर हम पढ़ने वाले हैं। और डिस्कंटिन्यूटी जो भी है, मोहविस्क डिस्कंटिन्यूटी, आपके गुटनबर्ग, कॉनराड, रैप्टी, इस टाइप की जो भी डिस्कंटिन्यूटीज होती हैं वो आपकी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन में भी शो हो जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर आपके स्वेस ने आपका थ्री जोन्स में आपका आइडेंटिफाई कर रखा है, जो कि आपका सियाल, सीमा और नीफे है। इसको थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करके आपका डिस्कस करेंगे। जो आपका सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, मिडल लेयर आपका मेंटल होता है, और जो आपके इनर को आपका होता है पार्ट, वो आपका कोर कहा जाता है अर्थ के अंदर। ये आपकी फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। अभी क्रस्ट की बात कर लेते हैं, तो क्रस्ट आपकी एक तरीके से आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपरी सतह आपकी क्रस्ट मिलती है, जिसमें अर्थ का 0.5 से लेकर 1% अर्थ का वॉल्यूम मिलता है, और 1% आपका यहाँ पर अर्थ का मास आपके क्रस्ट में पाया जाता है। एवरेज डेंसिटी की बात करें, तो जैसे जैसे आप डेंसिटी आप गहराई में जाते जाते हैं, डेप्थ में आप जाएंगे, तो आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और एवरेज डेंसिटी के यहाँ पर आपके कंसीडर करें क्रस्ट के मामले में, तो 2.7 जी आपकी यहाँ पर पाई जाती है। आपकी डेंसिटी अर्थ की बात करें तो 5.51 आपकी मिलती है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा, लेकिन आपकी जो क्रस्ट की डेंसिटी अगर पूछ लिया जाए तो 2.7 पाई जाती है। जैसे जैसे आपकी थिकनेस की बात करें, तो क्रस्ट की थिकनेस आपकी वेरी करती है। आपकी अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, तो आपकी 5 से 30 किलोमीटर पाई जाती है आपकी ओशियनिक क्रस्ट, क्योंकि आपकी जैसे जैसे आपकी ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, आपकी मेरियाना ट्रेंच है वो सबसे गहरा पॉइंट है आपका, आपको पता है। तो इस तरीके से आपकी ओशियनिक क्रस्ट है वो बहुत ही आपकी कम किलोमीटर की मिलती है आपकी, ये वेरी करती है। और कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती है वो आपकी 50 से 70 किलोमीटर आपकी कॉन्टिनेंट क्रस्ट पाई जाती है। तो ये वेरी करती है आपकी कंसिस्ट, आपकी अलग अलग थिकनेस इसकी पाई जाती है क्रस्ट की, तो ये आप ध्यान रखें। कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो थिकर मिलती है, और यहाँ पर आपकी जो ओशियन क्रस्ट है वो आपकी थिनर मिलती है। तो ओशियन जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो आपकी 70 किलोमीटर आपकी इन केस ऑफ माउंटेन्स पाई जाती है, जैसे कि हिमालय माउंटेन की हम एग्जाम्पल की बात करें, तो 70 से 100 किलोमीटर आपकी थिक पाई जाती है कॉन्टिनेंट क्रस्ट। ये आपका हिमालय माउंटेन आपको पता है कितने आपका हाइट पे है, तो वहां पर ये इन केस में मिलता है। जैसे जैसे आपकी डेप्थ है वो आपकी बढ़ती है, तो आपका क्रस्ट का के अंदर टेम्परेचर भी बढ़ता है। टिपिकली रेंज की बात करें, तो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक आपका चला जाता है। जब आप मेंटल में विजिट करते हैं या मेंटल में घुसते हैं, तब तक ये आपकी इतनी डेप्थ में जाकर आपका टेम्परेचर बन जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो आपकी 30 डिग्री सेल्सियस आपके एवरी किलोमीटर पर पाया जाता है आपके, जब भी आपके अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट में हम मिलते हैं। जो कॉन्टिनेंट है वो आपके लाइटर मिलते हैं, आपके हल्के मिलते हैं, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, जिसको हम सियाल कहते हैं। और जो आपके ओशियनिक आपके हैं वो हैवियर हैं, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेशन है वो आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको हम सीमा कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन अलग अलग होने की वजह से आपकी लाइटर और आपकी हैवियर पाई जाती है क्रस्ट में, आपका बाइफर्केशन मिलता है, राइट। अभी मेंटल की बात करते हैं, तो मेंटल आपका 83% आपका जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका फॉर्मेशन मिलती है, इतना परसेंट है, और 67% आपकी अर्थ का मास का मेंटल में पाया जाता है। जो भी आपका एक्सटेंशन है आपके मेंटल का, वो मोह डिस्कंटिन्यूटी जो हम पढ़ते हैं आपके 2900 किलोमीटर, यानी कि आपका 2900 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। डेंसिटी की बात करें अपर मेंटल की, तो यहाँ पर 2.9 से लेकर 3.3 तक पाई जाती है। लोअर मेंटल की आपकी जो एक्सटेंशन है वो आपके स्टेनोस्फीयर से तक पाया जाता है, और सोलिड स्टेट में ये आपकी पाई जाती है, राइट। अभी डेंसिटी इसकी लोअर मेंटल की बात करें, तो 3.3 से लेकर 5.7 तक आपकी लोअर मेंटल की डेंसिटी पाई जाती है, ये वेरी करती है, ये रेंज आपका यहाँ पर है। मेंटल की कंपोजिशन की बात करें, तो सिलिकेट जो रॉक्स होती हैं, जो कि आपकी रिच हैं आपकी आयरन और मैग्नीशियम में, उनसे आपका ये बनी हुई है मेंटल। और आपके इसमें
कंसिस्ट एलिमेंट की बात करें तो मेंटल है वो आपके 45% ऑक्सीजन से बनी हुई है, 21% आपकी सिलिकॉन और 23% आपके मैग्नीशियम से फॉर्मेशन इसकी मिलती है। इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आप समझे तो ओसम से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है और उसके बाद आपका मैग्नीशियम मिलता है। तो ये आपका एक निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। एस्टेनोस्फेयर की बात करें, इसको हम मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। ये आपका एक अपर पोर्शन होता है मेंटल का, जिसमें आपका एस्टेनोस्फीयर, एस्टोनो का मतलब समझे तो आपका मीन होता है वीक यानी कि कमजोर, और इसमें जो लिथोस्फीयर है उसका एक्सटेंशन या एक्सटेंडिंग बात करें तो आपकी 80 to 200 किलोमीटर आपका वेरी करता है। हाईली विसुवियस है यहाँ पर, इसका मैकेनिकली अगर बात करें तो ये वीक मिलती है, और आपका डेंसिटी की बात करें तो हायर मिलती है आपके यहाँ पर। और ये एस्टोनोस्फीयर मैग्मा चैम्बर, जहाँ से आपकी एस्टोनोस्फीयर वही लेयर है जहाँ से आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट होती है वो भी यहीं से आपका एडजस्टमेंट होती है। और जो मेन सोर्स है मैग्मा का, यानी कि मैग्मा जो कि आपके वोल्केनिक इरप्शन में हमने डिस्कस किया था, उसका मेन सोर्स भी आपका एस्टोनोस्फीयर मिलता है जहाँ से आपका मैग्मा इरप्ट होता है, राइट। अभी आपका आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर आपका इन जो आउटर कोर होता है उसकी डेप्थ की बात करें तो अर्थ सरफेस से 2900 किलोमीटर से आपके 5100 किलोमीटर तक मिलता है, यानी कि 2900 से 5100 किलोमीटर तक मिलता है अर्थ सरफेस से आपकी आउटर कोर। आउटर कोर का जो कंपोजिशन है वो आपका आयरन मिक्स्ड मिलता है, और उसके साथ साथ आपका निकल भी इसमें मिलता है, यानी कि नीफे जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लाइटर एलिमेंट्स पाए जाते हैं आपके आयरन के, और जो इनर कोर होती है वहाँ पर आपके डेंसर मिलते हैं। आउटर कोर में जो भी आपका प्रेशर है उसकी वजह से ये आपका बिल्कुल सॉलिड नहीं है, यहाँ पर आपके लिक्विड कंपोजिशन में मिलते हैं, और जो चीज़ें आपकी और भी यहाँ पर मिलती हैं इनर कोर, आपके आउटर कोर में और इनर कोर में आपके लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। ये फॉर्मेशन आपका मिलता है, ये यहाँ पर आउटर कोर इनर कोर में आप फर्क समझ सकते हैं। डेंसिटी की बात करें तो आउटर कोर की आपकी 9.9 से लेकर आपके 12.2 तक है। टेम्परेचर आपका यहाँ पर 4400 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस इनर कोर में पाया जाता है, इतना टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ पर मिलता है। इनर कोर की बात करें तो जो इनर कोर का एक्सटेंशन है वो आपका 5100 किलोमीटर आपका अर्थ सरफेस से मिलता है, यानी कि 5100 तक। और इनर कोर जो है वो आपकी आयरन का पोर्शन है वो आपका 80% मिलता है, और यहाँ पर भी निफिक आप जो याद करते हैं वो भी मिलता है, यानी कि आपका इनर कोर और आउटर कोर से अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो आयरन का जो कंटेंट है वो आपका इनर कोर में ज्यादा मिलता है। ये आपके जो भी सॉलिड फॉर्मेशन में आपका जो है लेयर ट्रांसमिट वेव्स की वजह से, और ये आउटर कोर होती है इनर कोर में एस वेव्स आपके जो राइज होती हैं, ये आपका फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है, दे गिव राइज टू एस वेव्स, ये आपके इनर कोर बाउंड्री पाई जाती है। अभी जो अर्थ का इनर कोर है उसके रोटेट होती है स्लाइटली फास्टर होती है, आपका रोटेशन ऑफ द सर्फेस यहाँ पर रिलेटिव फास्टर होता है। आपके जो सॉलिड होता है वो आपका जो इनर कोर है वो आपकी टू होट मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म मिलती है, क्योंकि आपकी यहाँ पर परमानेंट उसका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उसका एक मैग्नेटिक फील्ड अलग से है, तो ये फॉर्मेशन मिलता है। आपकी डेंसिटी की बात करें तो आपका जो 12.6 से लेकर आपका 13 तक आपका डेंसिटी पाई जाती है इनर कोर की। कोर में आपका इनर कोर और आउटर कोर में आपका जो परसेंटेज है अर्थ का वो 16% आपका पाया जाता है वॉल्यूम, और 33% आपका अर्थ का मास पाया जाता है, इसमें आपकी ये फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर की बात करें तो आपका 6000 से 10000 तक आपका डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर पाया जाता है, और ये सन का सरफेस होता है इनर कोर, वहाँ से भी होट मिलता है, ये बहुत ही एक्सटेंसिव होट मिलता है, और इसकी जो ग्रेविटी की वजह से आपकी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है इनर कोर। तो होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा समझ आया होगा कि इनर कोर, आउटर कोर और आपके मेंटल, आपकी क्रस्ट, इस बारे में सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अभी डिसकंटिन्यूटी की बात करें, जो आपकी इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी, वो आपकी सिस्कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि अपर और लोअर क्रस्ट आपकी अलग होती हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी से। मोहविस्क जो
डिसकंटिन्यूटी होती है, इसको मोव डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसको लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट को अलग करती है, इस वजह से हम इसको पहचानते हैं। रैपिड डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो अपर और लोअर जो मेंटल है वह उसको अलग करती है, इस वजह से हम इसको पहचानते हैं। गुटनबर्ग की बात करें तो लोअर और मेंटल जो आपकी को लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करती है, इस वजह से हम गुटनबर्ग को मानते समझते हैं। लहमान की बात करें तो आउटर कोर और इनर कोर में आपका अलग करती हैं, तो इस वजह से हम इसको पहचानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेली बेसिस पर 9 AM वीडियोज शेयर की जाती हैं। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपका सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।